हाँ तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं और आज आपको बताते हैं कि आप अपने कंप्यूटर का जो हार्ड ड्राइव है उसमें जो बनाए हुए पार्टीशन है दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो पार्टीशन बने हुए सी ड्राइव, डी ड्राइव और ई ड्राइव, दोस्तों इनका जो ड्राइव लेटर है यानी कि सी डी ई जो इसके लेटर हैं, जो ड्राइव लेटर हैं, उसको कैसे आप चेंज कर सकते हैं, तो ये बहुत ही आसानी के साथ आप इसको चेंज कर सकते हैं। और दोस्तों इस वीडियो में पूरा बताने जा रहा हूँ कि आप इस ड्राइव लेटर को आप कैसे चेंज कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो में पूरा अंत तक बने रहिएगा, कहीं से स्किप मत करिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर करिएगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरीके से आप इस ड्राइव लेटर को चेंज कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इस माई कंप्यूटर पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद जो है यहाँ मैनेज दिया हुआ है ऑप्शन, और इस मैनेज पर हम लोग क्लिक करेंगे। मैनेज पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके सामने कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, जिसमें हम लोग को सेलेक्ट करना है स्टोरेज वाला ऑप्शन, और स्टोरेज वाले पर देखेंगे यहाँ दिया हुआ है डिस्क मैनेजमेंट, तो डिस्क मैनेजमेंट पर हमें सेलेक्ट करना है। जैसे डिस्क मैनेजमेंट पर हम लोग सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आपके सामने कई सारे जो भी ड्राइव दी हुई है वो आपके सामने यहाँ पर शो हो जाएंगी। और अब हम अगर चाहें तो ये जो सी ड्राइव देख रहे हो, यहाँ पर डी ड्राइव देख रहे हैं, यानी कि ये जो डिस्क है उसको हम लोग जो ड्राइव उसकी बनी है वो दोस्तों आपको किस तरीके से इसका ड्राइव लेटर चेंज करेंगे, तो यहाँ पर माइंड के लिए आपका यह दिया हुआ है यहाँ पर डी ड्राइव, यहाँ दिया हुआ है ई ड्राइव, तो यहाँ पर सारी ड्राइव आपको यहाँ पर शो कर रही है, तो इसको हमको ई ड्राइव है इसे, तो ई ड्राइव का हम लोग चेंज करेंगे अगर ड्राइव लेटर, तो यहाँ दिया हुआ है चेंज ड्राइव लेटर एंड पाथ। दोस्तों इस पर हम लोग क्लिक करेंगे, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद दिया हुआ है ई, यहाँ पर दिया हुआ है चेंज का ऑप्शन, ऐड का ऑप्शन और रिमूव का ऑप्शन। दोस्तों यहाँ पर हम चेंज करेंगे, चेंज करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर हमको कई सारे ड्राइव लेटर देखने मिल जाएंगे। हम ई के बजाय हम चलिए एफ कर देते हैं और इसे ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद दोस्तों जैसे यस करेंगे, और वैसे आप देखेंगे हम माई कंप्यूटर पर जाते हैं। माई कंप्यूटर जाने के बाद अब आप देखेंगे यहाँ पर जो हमारा ई ड्राइव था, यानी कि डी के बाद जो ई ड्राइव लेटर था वो हमारा चेंज हो चुका है, एफ हो चुका है। और अगर हम इसको फिर से ई करना चाहते हैं तो दोस्तों फिर से हम ई करेंगे सेम प्रोसेस से, तो इसी पर राइट क्लिक करेंगे, चेंज ड्राइव लेटर करेंगे और इसके बाद चेंज करेंगे, यहाँ पर दिया हुआ ई और हम एफ, एफ के बाद हम ई कर देंगे, ओके करेंगे और यस करेंगे, फिर आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका फिर से ई ड्राइव हो चुकी है। तो दोस्तों इस तरीके से आप जो है अपने ड्राइव के जो ड्राइव लेटर है, जो पार्टीशन है उसका जो ड्राइव लेटर है, वो आप बड़ी ही आसानी के साथ चेंज कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसे लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलें, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए।